हम लोग मिल रहे हैं इसलिए कि हमारे हमको ये कहना है सभी से कि 2012 में ऑनरेबल हाईकोर्ट के द्वारा सीबीआई को दिया गया डायरेक्शन कि आप जो है ना जेपीएससी के जितने भी एग्जाम्स हुए हैं और जिसमें भी घोटाले हुए थे, हम समझते हैं कि 16 या 18 एग्जाम्स थे, उसमें लेक्चरर नियुक्ति भी था और फर्स्ट और सेकेंड जेपीएससी भी था। कई मामले में सीबीआई ने चार्जशीट भी किया, कई मामले में सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट भी दे दिया, लेकिन फर्स्ट और सेकेंड जेपीएससी का मामला जो है पिछले 12 साल से लटका हुआ था। फर्स्ट जेपीएससी में इन्होंने चार्जशीट सबमिट किया 39 लोगों के खिलाफ, जिसमें 20 जो है डिप्टी कलेक्टर हैं और बाकी स्टाफ और जो लोग जो है कॉपी एग्जामिन किए थे, या चेयरमैन जेपीएससी उस समय के या मेंबर जेपीएससी। अभी जो है सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि सेकेंड जेपीएससी में अभी तक चार्जशीट नहीं हुआ, और जहाँ तक हमें पता है कि संजीव लाल जो अभी जिनका अरेस्ट हुए हैं ईडी के द्वारा पकड़ा गया है, और इतना बड़ा अमाउंट का रिकवरी हुआ है झारखंड में, रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर के यहाँ वो पीएस होते थे उनके भी नीचे सबॉर्डिनेट के यहाँ से मिला है, तो संजीव लाल सेकेंड जेपीएससी के यदि हैं तो 139 लोगों के खिलाफ ऑनरेबल हाईकोर्ट ने कहा था कि इनको स्टॉप कर दिया गया, जो बाद में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं ये लोग काम करेंगे। उसमें से 19 लोग ऐसे थे जो उस समय निकाल दिए गए थे पूर्व में ही, उसमें मुकेश महतो भी था, कानूराम नाग भी था, प्रशांत लायक भी था और अन्य लोग थे, राधा प्रेम किशोर भी थे। सेकेंड जेपीएससी का चार्जशीट नहीं आना, ऑनरेबल हाईकोर्ट के द्वारा कई बार उसमें उन लोगों से क्वेश्चन भी करना, ये कहीं ना कहीं कुछ शो करता है कि सीबीआई जानबूझ करके इसमें चार्जशीट नहीं करना चाहती। जहां तक हमको लग रहा है कि इसमें उस समय की जो व्यवस्था थी उसके कई लोग हैं जिनके रिश्तेदार इसमें हैं, एटलीस्ट 19 लोगों में तो बिल्कुल है, 19 लोगों में ना तो विजिलेंस ने जो एफआईआर किया था यहाँ पे उसमें तो क्लियर है, सबका नाम है कि किन किन लोगों ने क्या किया था। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में भी सीबीआई ने कहा था कि इन्होंने वैसा काम किया है कि 20 नंबर का मार्क्स है उसमें 25 मार्क्स जो है अलॉट कर दिया गया, या कुछ लिखा ही नहीं, या उसमें कटिंग है। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं हमारे यहाँ स्टूडेंट्स को बहुत टच करती है। जेएसएससी का घोटाला हो चुका, उसमें एफआईआर भी हुआ, अभी उसकी जांच होने वाली है, अभी क्या जांच हो रही है भगवान जाने, लेकिन जेपीएससी का जिसकी जांच हम लोगों ने मेहनत करके ऑनरेबल हाईकोर्ट ने जब उसको सीबीआई को दे दिया, तो इतना तो हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं सीबीआई से कि अब प्रभु आप चार्जशीट कर दें, क्योंकि 12 साल हो गया, एक युग बीत गया और इसमें कई महापुरुष लोग हैं जो लोग अब कितना प्रमोशन ले चुके हैं, और यदि संजीव लाल जैसे महापुरुष हैं जो जिनका मैंने इस व्यवस्था ने उनको इतना धनवान बना दिया, उनको एक कुबेर कुबेर का खजाना ही दे दिया करोड़ों अरबों रुपया, तो कम से कम बाकी लोग भी तो कम नहीं होंगे, उन्होंने भी मॉल लायक पैसा कमा ही लिया होगा। तो इसलिए उन लोगों का मेरा रिक्वेस्ट यही है कि संजीव लाल जैसे जितने लोग हैं एटलीस्ट उन लोगों के खिलाफ जल्दी चार्जशीट हो कि कम से कम झारखंड में लूट व्यवस्था जो कायम है उसको रोका जा सके। ये जो मामला है इस पर लंबे समय से विवाद चल रहा है, इसको घोटाला की बात कहिए या इस पर जो भी नियुक्ति को भी लेकर हो रहा है। अभी जब ये सामने आया कि उनके पास से इतने पैसे बरामद हुए तब आप इस मामले को ला रहे हैं, इससे पहले भी तो आपको जानकारी हो, उस समय क्यों नहीं? नहीं, हम तो शुरू से ही इसको कह रहे हैं कि ये लोग 40 साल तक लूटेंगे, ऑनरेबल हाईकोर्ट ने कहा था, जी। लेकिन अभी जब ये हम तो बोल रहे थे कि लूट रहे हैं, लेकिन अब लूटने का प्रूफ हमारे पास नहीं था, अब लूटने का प्रूफ आ गया कि एवरेज यदि 30 करोड़ भी ले लें इनकी संपत्ति और इनकी कमाई, तो कम से कम 139 लोगों में नहीं सारे लोग उतने बेईमान नहीं है, लेकिन 50% तो जरूर लोगों ने कमाया होगा, तो 6 × 3 = 18, 180 करोड़ का तो प्रॉपर्टी इनके पास होगा जो कैश में होगा या मान लिए जो कंक्रीट ये होगा उनके पास प्रॉपर्टी होगा, जो गोल्ड होंगे या लैंडेड प्रॉपर्टी होगा,
इतना तो उन्होंने अपने सेफ्टी के लिए कर लिया हुआ, कल को तो हमको पता है कि हम निकाले जाएंगे, क्योंकि हमने किया है और वो सुप्रीम कोर्ट में भी लिख के दिया था कि ये सारे लोग जिसका लिस्ट में नाम है इन्होंने इंटरपोलेशन किया अपने मार्कशीट पर। तो उससे क्या होगा, मेरा कहना है कि जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने उस समय एग्जाम दिया था, आज भी उनका ईमानदारी से देखा जाए तो जेपीएससी पर विश्वास डोला हुआ है। कोई नहीं कह सकता एग्जाम देने वाला कि जेपीएससी अबव द सस्पिशन है, क्योंकि चेयरमैन जानते हैं कौन है, उसके मेंबर्स किन के रिश्तेदार हैं आपको हम बता दे रहे हैं। नीलिमा केरकेटा एक चीफ कमिश्नर इनकम टैक्स की वाइफ है, वो भी आईएएस रही हैं, हम बोल नहीं रहे हैं कि वो करप्ट है या उन पर करप्शन चार्जेस है, लेकिन कहीं ना कहीं कॉम्प्लिसिटी है लोगों का। वो इंडिपेंडेंट बॉडी जो है ना, आर्टिकल 320 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में कहता है कि एक इंडिपेंडेंट बॉडी होगा जो एग्जाम कंडक्ट कराएगा। आपको एक मैडम है वो फुआ है सोरेन जी की, दूसरा है वो सुप्रियो जी की वाइफ है, तीसरे हैं वो आलमगीर साहब के रिश्तेदार हैं। तो ये हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन है जेपीएससी का। ये जो आपने बताया ये तो अभी 5 साल पहले की सरकार, इससे पहले तो भाजपा की और भी सरकारें थी, उस समय से विवाद में रहा है। तो क्या अब तक के जितने अध्यक्ष रहे हैं जेपीएससी के, क्या कचहरे में आ जाते हैं? देखिए, एक आदमी का डेथ हो गया उसके बारे में बोलना अच्छा नहीं है, लेकिन वो भी अबव द डाउट था उन पर भी। उसके पहले भी जो अध्यक्ष लोग रहे हैं टाइम टू टाइम, उन लोगों पे भी डाउटफुल रहा है। इंडिपेंडेंट कभी नहीं रहा है जेपीएससी, किसी भी सरकार हो, ये नहीं कि भाजपा वालों लोगों ने कोई दूध के धोले हुए, उनके टाइम में भी वैसे ही रहा। तो भाजपा वालों के टाइम का ही तो देन है ये, फर्स्ट और सेकेंड जेपीएससी जो है ना भाजपा वालों का भी देन है, इसी के लिए तो ये नहीं हो रहा है इसमें चार्जशीट, नहीं तो अभी तक तो हो गया रहता, जेएमएम का रहता तो डाल देते ही लोग। जो 19 जो है जिन पर चार्जशीट सीबीआई फाइल क्यों प्रभाव है, ये हम आपको देखिए, एक तो है कानू राम नाग, दूसरे हैं राधा प्रेम किशोर, तीसरे हैं मुकेश महतो, चौथा है एक यहाँ के बहुत बड़े नेता हैं उनकी बहू, तो ये सारे लोग तो हैं। तो इसके चलते हमको लगता है, हम प्रिज्यूम करते हैं, हम मैंने ये नहीं कह सकते कि इसी के चलते नहीं कर रही है चार्जशीट, लेकिन ऐसा लगता है कि इन्हीं लोगों के चलते चार्जशीट नहीं हो रहा है। अनियमितता थी जेपीएससी के एग्जाम्स को कंडक्ट करने के टाइम में कि इन्होंने भाई भतीजावाद किया, जो उस समय के मेंबर थे उन्होंने अपना बेटी और बेटा का अपॉइंट कराया, उस समय के जो चेयरमैन थे उन्होंने अपने रिश्तेदारों को कराया, पैसा खूब चला उस समय। हम लोगों ने एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट को भी पिटिशनर ने और अन्य लोगों ने चिट्ठी लिखा है कि इसको भी हुजूर टेकअप किया जाए, ये टेकअप करें आप तो, चूंकि बाकी केसेस को भी टेकअप, इसको भी टेकअप कर लिया जाए। इसको टेकअप करने से होगा क्या कि ये पता लगेगा कि उस समय कितने लोगों ने पैसा लिया था, कितना में सीट बिका था और पैसा कहां से कहां गया था। बिना पैसा लिए हुए तो कोई करेगा नहीं, केवल रिश्तेदारी में हो ऐसा हो नहीं सकता। तो कौन कौन सा कंसिडरेशन था, रिलेशन कंसिडरेशन था, पैसा कंसिडरेशन था, क्या था, ये तो जांच कर ले। और एफआईआर तो उस समय हुआ था जब इवन इसने आपको एफआईआर कर दिया था, इसने विजिलेंस ब्यूरो ने वो किया था 12/6/2010 को, यानी 14 साल पहले विजिलेंस ब्यूरो उस समय की उसने एफआईआर कर दिया था। और उसी ने, हम आपको बता रहे हैं मेरे पास है, फोरेंसिक जांच करवा लिया था, फोरेंसिक जांच हो गया था उस समय ही इसके द्वारा, विजिलेंस ब्यूरो के द्वारा। तो ये तो क्लियर है, ये देखिए विजिलेंस ब्यूरो के द्वारा डायरेक्टरेट ऑफ फोरेंसिक साइंस ये आपको आ गया, इसमें रिपोर्ट आ गया है 2010 में ही, 2010 में ही रिपोर्ट आ गया था। यदि 2010 में यदि रिपोर्ट आ गया था तो ये 12-14 साल नौकरी कैसे कर लिए ये लोग, उसी समय इन लोगों को पकड़ना चाहिए था, कुछ नहीं हुआ उस समय, क्योंकि पावर था सब, इन्होंने अपना पावर का इस्तेमाल किया और ये होने नहीं दिया। मार्क्स का देखिए, मार्क्स में ये लोग पहला तो मार्क्स में हेराफेरी किया, जो वहां पे क्वेश्चन पेपर में अच्छा से मार्क्स आंसर नहीं है उसमें भी उन्होंने गलत आंसर था उसके बाद भी मार्क्स दिया। जो उस समय के जो ये किए थे उसको कॉपी जांचे थे उनके द्वारा भी करप्शन किया गया था, उनको
चेयरमैन और मेंबर जेपीएससी के उस समय के, उन्होंने अपना पैरवी करवाया था, तो ये सब चीज हुई थी, इसको तो कम से कम खत्म करना चाहिए था।